Welcome to the e-learning class of MABN. Today in class second, class 2 में आज हम maths की class में अपना new chapter number 3 जो कि हमारा PA 2 का chapter है. ये chapter number 3 जो है ये हमारे PA 2 का पहला chapter है. तो अब हम पहला chapter अपने PA 2 का start कर रहे हैं जो है chapter 3 place value. आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं. प्लेस वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई 3-डिजिट नंबर है, ठीक. इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट से अच्छे से जान सकते हैं. ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है 3-डिजिट नंबर का. हमारा 3-डिजिट नंबर है 245. ये 3-डिजिट नंबर है. देखिए 1-डिजिट, 2-डिजिट, 3-डिजिट, ये हमारा 3-डिजिट का नंबर है. अब हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और इसमें इस नंबर को पुट करेंगे और नंबर को पुट करने के बाद देखेंगे कि हमारी किस प्लेस पे है, ये कौन से स्थान पे है. ये वंस के स्थान पे है कि ये टेंस के स्थान पे है कि ये हंड्रेड के स्थान पे है, ठीक. तो आइए हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं. ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है. हम ऐसे ही इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले पार्ट में हम लिखेंगे हंड्रेड्स, फिर लिखेंगे टेंस, फिर लिखेंगे वंस. अब 3-डिजिट नंबर है हमारा, तो 100 की प्लेस पे हमारा 200 होते हैं ना, तो 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2 नंबर है. तो हम यहाँ पे 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे. अब हमारे टेंस की, ये हमारी वंस की प्लेस है, ये टेंस की और ये 100 की. तो वंस की प्लेस पे क्या है, 5 है. टेंस की प्लेस पे क्या है, 4 है. और 100 की प्लेस पे क्या है, 2 है. तो हमने 100 की प्लेस वाला नंबर लिखा. अब हम टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4 नंबर है. तो हम टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर लिखेंगे, 4 नंबर लिखेंगे. अब वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस की प्लेस पे 5 नंबर है. तो हम वंस की प्लेस पे 5 नंबर लिखेंगे, ठीक. तो यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस. 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस. क्यों, क्योंकि ये वंस के स्थान पे आ रहा है. तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. अब ये टेंस, टेंस की 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस. क्यों, क्योंकि ये टेंस के स्थान पे आ रहा है, ठीक. अब आते हैं 2 पे. 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 किस स्थान पे है, 200 के स्थान पे है. यानी 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 100, ठीक. अब देखिए इसे जिस प्लेस पे नंबर होता है, जैसे 5 हमारा किस प्लेस पे है, 5 हमारा वंस की प्लेस पे है. तो हम उसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वंस की प्लेस पे है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से. क्यों, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है. तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 5, ठीक. अब हम आते हैं टेंस पे. तो टेंस 4 हमारा क्या है, टेंस की प्लेस पे है. तो जब हमने कहा कि अगर वंस की प्लेस पे रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब टेंस की प्लेस पे है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक. अब हम आते हैं 2 पे. 2 हमारा 100 की प्लेस पे है, तो अभी वंस की प्लेस पे था 5, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब टेंस की प्लेस पे 4 था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था. फिर अब ये 100 की प्लेस पे है तो हम इसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. तो ये हो जाएगा 200, ठीक है. तो यही होती है हमारी प्लेस वैल्यू. अब हम आते हैं फेस वैल्यू पे. तो समझते हैं फेस वैल्यू क्या होती है. देखिए इन नंबर्स 1, 5, 15, 153 और 513, ये हमारे 3 नंबर लिखे हैं, ठीक है. और इसमें जो सर्कल है वो हमारा क्या है, वो हमारा 5 नंबर है, ठीक. कौन सा नंबर है, 5. अब फेस वैल्यू क्या होती है, जैसा ये 5 है, देखिए सब में 5 आया है, सारे नंबर में 5 आया है. तो हमारा जो न्यूमरल है, न्यूमरल हमारा क्या है, हमारा 5 न्यूमरल है. तो 5 की प्लेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 5 ही होती है, ठीक. मतलब जो भी हम 5 की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक. जरूरी नहीं है कि हम 5 ही लिखें, 5 की जगह पे हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, ठीक. हम 2 लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक. बस कोई भी हम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं. लेकिन
जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक। 5 है तो 5 ही उसकी फेस वैल्यू है, और अगर 4 रहेगा तो 4 ही उसकी फेस वैल्यू होगी, 3 रहेगा तो 3 ही उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक। 1 है तो 1 ही फेस वैल्यू, यानी जो नंबर रहेगा वही हमारा फेस वैल्यू रहेगा, ठीक। अब आते हैं एक और पॉइंट पे, फेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग है। प्लेस वैल्यू क्या है कि वो नंबर हमारा किस स्थान पे है, और फेस वैल्यू क्या है, जो नंबर है वही हमारा फेस वैल्यू है, ठीक। लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। जीरो एक डिजिट है, ठीक। जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दोनों क्या होती है, जीरो ही होती है, कुछ और नहीं होगा, ठीक। अगर यहाँ पे हमारा जो जीरो है वो टेंस के स्थान पे आता, यहाँ पे आता, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये क्या होती, जीरो ही होती, ठीक है। हम जीरो को टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो हमारा जीरो ही रहेगा, ठीक। अब हम आते हैं आपके बुक के पेज नंबर 50, एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, ए नंबर की एक्सरसाइज, इसका पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बुक में देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। जो डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर दिया है उसकी हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है कि वो किस स्थान पे है। तो 147 हमारा डिजिट दिया हुआ है, ठीक। 147 में इसको हम क्या बोलेंगे, 147, इसको बोलेंगे 147, ठीक। अब 1 की प्लेस वैल्यू उसमें क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू उसमें 100 है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 1s के है, ये 10s की प्लेस पे, ये 100 की प्लेस पे, तो हमारी 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। कैसे, क्योंकि ये 100 की प्लेस पे है, ठीक। ये हमारा हो गया 1 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 100 हो गई, तो हम इसे 1 के बाद एरो लगा के बता देंगे 100, ठीक। अब 40 हमारा किस प्लेस पे है, 40 हमारा टेंस की प्लेस पे है ना, 40 किस प्लेस पे है, 40 हमारा टेंस की प्लेस पे है, तो क्या होगा, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा टेंस की प्लेस पे है, तो 4 हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 की प्लेस पे हुआ, तो हम इसे 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 की प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 10 की प्लेस पे है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 10s की प्लेस पे, तो देखिए 4 इंटू, अगर हम इसको 4 इंटू 10 करेंगे तो ये 40 ही तो आएगा, ये देखिए 40 आ रहा है, तो ये हमारा 10s की प्लेस पे। अब हमारा ये 7, तो 7 यहाँ पे किस प्लेस पे, 7 यहाँ पे 1s की प्लेस पे, तो हम अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ये देखिए, तो 7 क्या हो गया, 1s की प्लेस पे। अब फिर से समझिए, 147 ये हमारा डिजिट है, इसी तरीके के और डिजिट भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसे आपको खुद से करना है। 147 हमारा 3 डिजिट का नंबर है, इसमें 1 हमारा 100 की प्लेस पे है, 4 हमारा 10s की प्लेस पे है, और 7 हमारा 1s की प्लेस पे है, ठीक। तो आपको दिखा देना है 100 की प्लेस पे, 4 10s की प्लेस पे यानी 40 हो जाएगा, और 7 1s की प्लेस पे यानी 7 हो जाएगा, ठीक। बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अब हम बी नंबर की एक्सरसाइज पे आते हैं, तो बी नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बी नंबर में आपको क्या करना है, राइट इन फिगर्स विद प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये देखिए ये स्पेलिंग्स में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, नंबर्स में लिखना है, ठीक, और उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। स्पेलिंग देखिए क्या दी है, 236, यानी हमारा जो नंबर दिया गया है वो ये है 236। अब हमें इसे क्या करना है, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये स्पेलिंग में था, ये फिगर्स में है, ये फिगर्स में है, इसमें है। अब इस नंबर को हमने फिगर्स में लिख दिया 236 फिगर्स में, बाकी सारे क्वेश्चन में भी आप इसको सबसे पहले इसमें फिगर्स में लिखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, प्लेस वैल्यू इनकी लिखनी है, तो देखिए 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1s है, 1s है ना, तो ये 1s है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10s की प्लेस पे है, तो ये 10s की प्लेस पे हो गया। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है,
हंड्रेड है तो ये हंड्रेड की प्लेस पे हो गया। ठीक, तो ये सब फिगर्स में ऐसे लिखा जाएगा। फिगर्स का मतलब होता है आपको नंबर्स में लिखना है, स्पेलिंग्स को नंबर्स में चेंज करना है। उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है कि टू किस प्लेस पे है, थ्री किस प्लेस पे है, सिक्स किस प्लेस पे है। ठीक, आइए बच्चों अब हम बुक के पेज नंबर 16 की सी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, सी एक्सरसाइज में देखिए क्या कह रहा है। चेंज 10 टेंस टू 100, 10 टेंस अगर दिए होंगे तो हमें उसे 100 बनाना है। 10 टेंस का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो हमें उसे 100 बना देना है। ठीक, और फिर बॉक्स में फिल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 214 टेंस, 200, 200 है हमारे पास और कितने टेंस है, 14, 14 टेंस का मतलब होता है बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ छल्ले दिए हुए हैं, हमें उनको क्या करना है, गिनना है, काउंट करना है और फिर इस बॉक्स में लिखना है कि कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वन्स हैं। तो देखिए हंड्रेड की प्लेस पे ये छल्ले दिए हुए हैं, अब हम इसे काउंट करेंगे ये कितने छल्ले हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हंड्रेड्स की प्लेस पे कितने छल्ले हैं, 6 हैं, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हम टेंस वाला काउंट करेंगे, ये टेंस की प्लेस है तो टेंस की प्लेस पे कितने छल्ले हैं, 1 2, तो हम 2 टेंस लिख देंगे। ठीक, फिर हम आते हैं वंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वंस की प्लेस पे, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक, अब आइए न्यूमरल्स को, जो हमारे नंबर होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं। ठीक, तो हमारे नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 डिजिट्स नंबर से, यही नंबर से हमारे, इनसे हम क्या करते हैं, सारे न्यूमरल्स को लिख सकते हैं इनकी सहायता से, 0 1 2 3 एंड 9 को, इन नंबर्स की न्यूमरल्स की सहायता से हम क्या करेंगे और बाकी के न्यूमरल्स बना सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए 7, ये 7 हमारा स्पेलिंग में लिखा हुआ है, इसे हमें न्यूमरल्स में लिखना है, न्यूमरल्स मतलब नंबर में लिखना है, तो हम 7 को नंबर में कैसे लिखेंगे, 7 को हम नंबर, वी राइट 7 इन न्यूमरल्स एज, 7 को हम नंबर में ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, और ये हमारा 7 अकेला डिजिट है, यानी कि ये जब हम इसे 100 टेंस वंस ऐसे प्लेस बनाएंगे तो हमारा जो 7 है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ पे आएगा, यानी इसकी प्लेस क्या होगी, वंस होगी। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्लेस क्या है, वंस की प्लेस पे है। ठीक, अब आते हैं हम पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, देखिए ये आपका पेज नंबर 17 है, इसकी ए वाली जो एक्सरसाइज है हम यहाँ पे आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, व्हाट डिजिट्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इन्हें हमें न्यूमरल्स पे लिखना है, यानी नंबर पे लिखना है। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, और उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है कि वो किस प्लेस पे है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है ए एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, यहाँ पे स्पेलिंग में दिया हुआ है 18, ये देखिए 18 दिया हुआ है, तो 18 को हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरल्स में लिखना है, यानी नंबर में लिखना है। तो हम नंबर में 18 को कैसे लिखेंगे, 18 मतलब 1 और 8, 1 8 18 होता है, और ये इसकी, तो हम पहले इसे 1 और 8 लिख देंगे, फिर इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, तो 8 हमारा किस प्लेस पे, 8 हमारा वंस की प्लेस पे है और 1 हमारा टेंस की प्लेस पे है। ठीक, ऐसे आपको, अब अगर 3 डिजिट का नंबर दिया है ये तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, अब 3 डिजिट का अगर दिया हुआ है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में 3 डिजिट का नंबर है 115, तो 115 हमारा इस
नंबर में लिखेंगे। तो हम इसे न्यूमरल्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 5। ये देखिए 1 1 5। जब हम 115 जो स्पेलिंग हमारी ये दी हुई है, जब हम इसे लिखेंगे नंबर में तो ये आएगा 1 1 5। ठीक, अब ये जो 5 है हमारा ये किस प्लेस पे है, ये 1s की प्लेस पे है, ये 1 10s की प्लेस पे है और ये 1 100s की प्लेस पे है। ठीक, तो हम 3 डिजिट के नंबर को ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चंस को पहले बुक में करिएगा, फिर इसे कॉपी में, इसके 5 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ठीक, और पेज नंबर 15 की जो एक्सरसाइज है इसमें भी सब में से आपको 4 4 क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं।